खुदागी आज नहीं तो कल खुदागी आज नहीं तो कल खुदागी आज नहीं तो कल खुदागी आंगनवाड़ी वर्करों ने काला दिवस मनाया है। सभी वर्कर्स काले कपड़े डाल के आई हैं। तो क्या मांगों को हमारी मांगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने 10 मार्च 2018 को 750 रुपये हेल्पर के और 1500 रुपये वर्कर के मानदेय बढ़ाया था, लेकिन अब वो मुकर चुके हैं इन बातों को देने के लिए। हम उन्हीं के उसमें ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 51वां दिन है, 51 दिन हो चुके, लेकिन कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं आया है हमारी सुध बुध लेने के लिए। और जहां भी जाते हैं उनसे कोठी पर मिलने के लिए जाते हैं तो वो छुप जाते हैं, हमारे सामने नहीं आते। उसके बाद अगर सरकार अभी तक तो मानी नहीं है, लेकिन आगे तक हमारे धरने प्रदर्शन जो है ऐसे ही जारी रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। और एक नया सुसा और छोड़ रखा है इन्होंने, ये एनजीओ के देने के लिए जा रहे हैं आंगनवाड़ियों को, हमें ये बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है। हम एनजीओ को इसको नहीं देने देंगे। नहीं, उससे वहाँ उचाणा उद्घाटन के लिए आए थे, हमने उनका मान सम्मान भी किया, भी हम कोई बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे, आदर के साथ जो है उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वो बाहर बाहर की बार भाग गया, हमारे से मिले नहीं। कौन भाग गया? वो थे अनुपदानक थे, को अजय चौटाला था, दुष्यंत चौटाला था और एक अमरजीत ढांडा था। 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमने जो है ना यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पण किए थे और फिर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर गए थे और हमने शांति प्रदर्शन किया था, हमने बाकी और कुछ नहीं किया। क्या नाम जवा? मेरा नाम कमलेश है जी। जहाँ बाजू शेरों का शिकार बिल्लियाँ करती हैं, वो बिल्लियाँ आप हैं जो मोदी और खट्टर पर जीत हासिल करेंगी। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ, आप जीत के बहुत करीब हो, ये लड़ाई हमेशा लड़ते रहिए। धन्यवाद। डिस्क्रिमिनेशन, शोकाज नोटिस और तमाम तरह की जो धमकियां हमें दी जा रही है, आज ये हमले हमारे पे हैं, कल अगर किसी दूसरे का आंदोलन होगा तो उन पे भी होंगे। इसलिए CIT और सर्व कर्मचारी संघ ने ज्वाइंट फैसला किया है, ये दमन हम सहन नहीं करेंगे। और 1 फरवरी को कांवड़ प्रभात हमारे जो मुख्य नेता थे CIT बनाने वालों में से एक तरह से उन्होंने कई यूनियनों को बनाने में सहयोग भी किया था, उनका जन्मदिन भी है, एक वो जन्मदिन भी हम मनाएंगे और ये दमन विरोधी दिवस भी हम मनाएंगे। एक तो उस दिन टोटल वर्कर आए हम आशाओं से और मिड डे मील और दूसरी जो CIT उनसे भी बातचीत करेंगे और सर्व कर्मचारी संघ के साथ रिटायर कर्मचारी नेता हमारे बीच में लगातार आजाद जी आ रहे हैं, हम दूसरे जो नेता हैं इनके राजकुमार चौक जी उनसे बातचीत भी करेंगे। तो कोशिश उस दिन कोई बड़ा प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ और CIT की तरफ से आपके सपोर्ट में होगा। तो कल की तैयारी और फिर 1 तारीख को देखे मुख्य हमारे जो बाकी बीच में उस तमाम आह्वान आपके बीच में आपके नेता आपको बताते रहेंगे और हमारी योजना भी हम मीटिंग करेंगे सेंटर पे CIT की। हम समझते हैं आज जिला कमेटी की मीटिंग ऑनलाइन की जाए तो विशेष करिए पुष्पा और रमेश और आपकी जो भी नेतृत्वकारी हैं आपकी चार पर हम लिंक भेज देंगे आपके पास, तो शाम को 8 बजे के आसपास वो मीटिंग करने की योजना, तो उससे आप एक बार जुड़ जाए बहने बातचीत आवर आपको फिर करेंगे। धन्यवाद। और काली चुन्नी ओढ़ करके आज हमने इसका प्रदर्शन किया है, विरोध किया है और अब हमारी मांगों पे विचार करने, हमारे डेलीगेशन को जल्दी से बुला ले और हमारी मांगों का समाधान कर ले, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन और भी तेज होगा। और 5 फरवरी तक तो हमने नोटिस दे दिया है, अगर आगे भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और जो स्टेट कमेटी का फैसला होगा हम उसके अनुसार आगे प्रदर्शन करेंगे और उनकी उसके कदमों पर चलेंगे। जय संघर्ष, जय एकता। कल की तैयारी करके आओ। कल हमारा ट्रैक्टर रैली का प्रोग्राम है, पटियाला चौक से जो नरवाना बाईपास है वहाँ से होते हुए
और जिस बैंक के पास बाइक है, साइकिल है और तो है। कोई व्यक्ति चलाती हो, कोई और चलाता हो तो बाइक लेकर आएगी, बाइक पे भी हम अपना जुलूस लेकर चलेंगे। तो बहनों, आज हम इसका प्रदर्शन का समापन यहीं पे करते हैं और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना कीमती समय यहाँ लगाया और कल भी बहुत ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में हमें ऐसे ही रोज मार्च निकालना है और सारी बहनों ने